नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। चलिए, कैसे है भाई सब लोग, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और जिन्होंने भाई अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, फटाक से जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट आ जाए जल्दी से। और डेली की तरह मैं आपको बता दूं, मैं डेली की तरह 50 क्वेश्चन लेके आता हूं, और ये 50 क्वेश्चन की सीरीज मैं 50 दिन तक कंटिन्यू करने वाला हूं। 50 क्वेश्चन 50 दिन। आप थोड़ा सोच के देखिए, 2500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप हिसाब मोटा मोटा जोड़ो, 500 क्वेश्चन इतिहास के, 500 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 500 क्वेश्चन साइंस के, टोटल कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताते रहिए भाई सब लोग कि आपको आवाज प्रॉपर आ रही नहीं आ रही है ना, एक बार इशारा करके बता दीजिए, ताकि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं। किसी का भी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए है ना। कुछ बच्चे आ चुके हैं, मैं नाम ले लेता हूं। नितिन कुमार, नीतीश चौहान, आकाश गुप्ता, विकास, इंजीनियर सूरज दुबे, राजू, ज्ञानेंद्र, कौशल, अंजुम, वेरी गुड वेरी गुड भाई। जल्दी से फटाफट जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाक से एक बार लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दो। और टाइमिंग भाई सब लोग नोट करके रख रहा हूं, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, बहुत दिनों से देख रहा हूं बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो आप सब लोग टाइमिंग नोट कर रखिए, शाम के 7 बजे डेली मैं आपको रेलवे पाठशाला पे मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबा लिया करो, उससे क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुंचती है। ठीक है, ओके वेरी गुड। तो जल्दी से बताइए सब लोग, मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक बार थम्स अप करके मुझे इशारा कर दीजिए, ताकि मैं पहला क्वेश्चन। गुड इवनिंग भाई सबको मेरा नमस्कार। गोलू बाबू वेरी गुड, मनोज कुमार, प्रेंशु, ओम प्रकाश गुप्ता वेरी गुड वेरी गुड, वर्मा स्टडी सेंटर। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए भाई, जल्दी से बताइए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड, ये लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। पढ़ो भाई जल्दी से और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाक से जल्दी से पढ़िए। इसके बाद भी मैं आपको कुछ आर्टिकल बताऊंगा, इसलिए मैं पहले से उनके आर्टिकल के नाम लिख लेता हूं। जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ो और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से। नमस्कार नमस्कार भाई सबको मेरा नमस्कार। थोड़ा जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो फटाक से। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। पहले मैं आपको बता दूं, राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, है? और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, अच्छा राज्यपाल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, तो ध्यान रखना 153 से लेकर 167 तक जितने भी आर्टिकल होते सब राज्यपाल के होते। अब क्या है मैं आपको बताता हूं, 153 में क्या है। सर 153 में तो राज्यपाल है, खुद राज्यपाल ध्यान रखना 153 में है, है? 154 में राज्यपाल की शक्तियां हैं, 154 में शक्तियां राज्यपाल की, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है सर 155 में है, 155 में नियुक्ति है। सर 56 में क्या है, तो ध्यान रखना 56 में जो है कार्यकाल है, 56 में सर कार्यकाल है। और इसके बाद रखना 57, बहुत पूछा जाता भैया 57 में ध्यान रखना राज्यपाल की एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी। उसके बाद आपको 59 और 61 भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की जो शपथ है सर 59 में है, 159। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्यपाल द्वारा क्षमादान, क्षमादान रखना 161 है लेकिन राज्यपाल के द्वारा। बोलिए ऑप्शन नंबर डी तो तुम्हारा करेक्ट उत्तर है, लेकिन हो सके तो राज्यपाल की इतनी बातें और याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। नमस्कार नमस्कार दीपक गुप्ता जी, नमस्कार प्रदीप झांझू झांझू है। चलिए और जिन्होंने भाई अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, पहले फटाक से जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, फटाक से पढ़िए जल्दी से और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाक से पढ़िए। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में या नामों में परिवर्तन है। मैं आपको बता दूं, राज्य से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे आर्टिकल आते हैं वो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक आते हैं, 1 से लेकर 4 तक है ना, राज्य और राज्य के संघ, क्लियर है ना। और अनुच्छेद 5 से जो 11 स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता होगा 5 से 11 स्टार्ट हो जाते हैं नागरिकता है ना, तो राज्यों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 1 से 4 के बीच है, ये भाग 1 में आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे।
क्लियर है ना। अब बताइए भाग वन में ऐसा कौन सा आर्टिकल आता है या एक से चार में कौन सा आर्टिकल है? कहोगे एक ही आर्टिकल है भाई साहब, आर्टिकल नंबर तीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। भाई एक ही आर्टिकल तो है, देखो ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर, ये लीजिए अफगानिस्तान का नया नाम पड़ चुका भैया। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए अफगानिस्तान का नया नाम क्या है, फटाफट बताइए अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या है। अच्छा, नए नाम के साथ साथ आपको यह भी बताना है कि इस देश के नए पीएम कौन बने हैं। तो नए पीएम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना हसन अखुंडा, ध्यान रखना ये अफगानिस्तान के नए पीएम हैं। और अफगानिस्तान का जो नया नाम पड़ा है वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ये ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान का नया नाम है। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हसन अखुंडा को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अरे वो कौन वाली मूवी थी, अभी वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर में कौन था, अखंडा, तो उसी तरह से याद कर लेना हसन अखुंडा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर, देखिए फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट। नमस्कार भाई रूपक शर्मा, मस्ताना, मिस्टर सुजीत, ज्ञानचंद्र, लोटेश, डीपी यादव, अभी यादव, वेरी गुड। पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और थोड़ा दबा के शेयर करते रहिए भाई सब लोग। आज हम लोग 1000 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे, दबा के एकदम शेयर कर दो। निम्नलिखित में कौन राजस्थान का लोक नृत्य है? अरे सर गरबा, अरे गरबा गुजरात में आता है, एक शो बहुत फेमस है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मुझे तो वही बड़ा पसंद है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप लोग देखते हो, मतलब मुझे उस शो में दो ही लोग पसंद है, एक तो जेठालाल और दूसरी जेठालाल की गर्लफ्रेंड बबीता, मतलब ये दोनों भाई साहब इतने मस्त है, इनको देख लेता हूं ना पूरा दिन बन जाता है कसम से। तो ध्यान रखना गरबा गुजरात का है, जबकि घूमर, हाँ घूमर सर राजस्थान का है, घूमर में तो एक गाना भी बन चुका है ना, याद है। चलिए नौटंकी तो भैया पूरे पता है, उत्तर प्रदेश वाले ज्यादा करते हैं, ऑप्शन नंबर डी नौटंकी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा, पढ़ो भाई जल्दी से पढ़ जाते ही क्वेश्चन नंबर पांचवे का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट। नमस्कार भाई, नमस्कार, बहुत बहुत सबको नमस्कार, जल्दी से पहले वीडियो को शेयर करते हुए 500 के आंकड़े तक पहुंचाइए फटाफट से। बताइए केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम तय कर दिया, मिड डे मील योजना पता है ना, ध्यान रखना भारत में 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 15 अगस्त 1995 से ध्यान रखना मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, और इसका नया नाम कर दिया गया है पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बोलो भाई क्लियर है ना, पीएम पोषण योजना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ नट्टू काका इस समय जो है खत्म हो चुके हैं, एकदम सही कह रहे हैं आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर छठवां नंबर, ये लीजिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर छठवें का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, खसरा। बताइए खसरा जो है किस वजह से होता है, आपको खसरा बताना है किस वजह से होता है। खसरा के लिए एक वायरस आता है, उस वायरस का नाम याद रखना रूबेला वायरस, बड़ा पूछा जाता है रूबेला वायरस, ध्यान रखना खसरा होता है रूबेला वायरस की वजह से, तो आंसर हो जाएगा रूबेला वायरस, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, क्लियर है ना। तो खसरा ध्यान रखना वायरस की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सातवां नंबर, अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए भाई जल्दी से और थोड़ा दबा के शेयर करते रहो भाई, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर करते रहिए फटाफट। विलियम बेंटिंग की बात आई है, मैं बताता हूं आपको विलियम बेंटिंग ने क्या किया था। पहले एक बात सब लोग ध्यान रखना, जो विलियम बेंटिंग थे सर, उनका शासनकाल, यह शासन ना कहिए आप कहिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक, याद है ना, लेकिन 1828 से 1835 के बीच में 1829 में उन्होंने ध्यान रखना सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। और इनके साथ एक नाम और याद रखना, भारतीयों में थे राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने, यह भी ध्यान रखना, क्लियर है ना। और बात सुनो, 1835 में इनका एक काम हुआ था,
भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत, भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत डॉक्टर विलियम बेंटिंक के शासनकाल में या वाय गवर्नर जनरल के समय में हुई थी इंग्लिश एजुकेशन। एक और नाम याद रखना पड़ेगा, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के कहने पर ही धारणा भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर। मतलब सबको ये तो पता होता है 1829 में आए, मतलब सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था विलियम बेंटिंक, लेकिन कब किया था? 1829। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर, पढ़िए भाई जल्दी से, बराबर पढ़िए जल्दी से। हाँ 1829 एकदम सही बता रहे हैं, जल्दी से पढ़िए और बताइए 1829 के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां फटाक से। यस वेरी गुड वेरी गुड। हाँ राजा राम मोहन राय का भी नाम है, लेकिन वो नाम नहीं लिया जाएगा अभी। मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी बताइए अपील की जा सकती है, तो किस कोर्ट में अपील कर सकते हो? तो ध्यान रखना, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। और कहां से लिए रहे हैं? सर यूएसए से लिए रहे हैं। और कौन से भाग में है? सर भाग 3 में है, है ना। मैं आपको बता दूं, इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और धारणा हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर आप दोनों जगह पे जा सकते हो, और दोनों जगह के लिए आर्टिकल जो है सर वो अलग अलग आर्टिकल है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां, ये लीजिए मार्शल एसेट। जल्दी से बताइए मार्शल एसेट। अच्छा मार्शल एसेट से मुझे एक ही बात याद आती है, मार्शल लॉ। तो तुम्हें कमेंट करके दोनों आंसर देने, मार्शल एसेट भी बताना है और साथ साथ यह भी बताना है मार्शल लॉ, बताइए किस आर्टिकल में आता है। दोनों आंसर दीजिए फटाक से जल्दी से। और भाई जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, थोड़ा लाइक भी करते चलो फटाक से। तो मार्शल लॉ की बात कर लेते, पहले मार्शल एसेट की बात कर लीजिए। तो धारणा मार्शल एसेट का केमिकल फॉर्मूला होता है H2H2OA। धारणा यही तुम्हारा मार्शल एसेड है, ठीक है? बिल्कुल 5 रिट जारी की जा सकती है, एकदम बच्चा सही बोल रहा है, ठीक है? अब जल्दी से मुझे कमेंट रेट बताओ मार्शल लॉ किस आर्टिकल में आता है, जल्दी से बताइए। मैं रीड करता हूं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये मार्शल लॉ, और कई बार पूछा भी जा चुका है, है ना? बिल्कुल रुपेश, दिनेश, अनुज, अंजुम, ठीक है? पढ़िए भाई जल्दी से, कमेंट कीजिए जल्दी से, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां। अरे वाह भैया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़िए कौन सा तत्व जीनोन, मैं आपको बता दूं जीनोन एक कह सकते हो इनर्ट गैस का फॉर्म है, जीनोन एक इनर्ट गैस का फॉर्म है, फिर भी जीनोन जो है एक ही तत्व के साथ अपना कंपाउंड बनाता है। सर वो तत्व कौन सा है? सर वो तत्व है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो कंपाउंड है वो जीनोन टेट्रा फ्लोराइड, जीनोन टेट्रा फ्लोराइड। ध्यान रखना ये फ्लोरीन के साथ बनाया हुआ कंपाउंड है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बोलो भाई बात सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, जीनोन टेट्रा फ्लोराइड आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, पढ़िए जल्दी से। टेफ्लॉन में बताइए पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है? अरे टेफ्लॉन पता है ना, इसका पूरा नाम होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, यही हमारा टेफ्लॉन भी है। और टेफ्लॉन का जो मेली यूज करते हैं ना वो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, बिना चपटने वाले बर्तन बनाने में करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का यूज, ठीक है? तो टेट्रा एथे फ्लोरोएथिलीन आ गया ना, अरे टेट्रा फ्लोरोएथिलीन है तो बताइए टेफ्लॉन में क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। बोले भाई बात सबको क्लियर है? नमस्कार नमस्कार गोलू बाबू, नमस्कार। फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, जल्दी से जवाब दीजिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 12वें का फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं, और ध्यान रखना टेफ्लॉन का यूज नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है दोस्त, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। पढ़िए निम्नलिखित में कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? आपको पता है हैलोजन जो परिवार आता है वो 17वें वर्ड में आते हैं, 17वें वर्ड में हैलोजन आते हैं,
सर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब आते हैं, लेकिन जो मॉर्फिन होता है सर वो हैलोजन में नहीं आता, ये है क्या? अरे याद है अफीम के पौधे में क्या पाया जाता है? मॉर्फिन पाया जाता है। बोलिए बात सब क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लीजिए। जल्दी से बताइए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी के साथ मुझे वांडीवास का युद्ध बताइए, वांडीवास का युद्ध बताइए, वांडीवास के साथ मुझे बटसा का युद्ध बताइए। ये दो युद्ध और मुझे बताने हैं आप लोगों को। जल्दी से दोनों युद्ध, तीनों युद्ध कमेंट कीजिए फटाफट से, फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए है ना। और थोड़ा दबा के शेयर करो भाई, एक बार जोरदार झटका 500 रुपए प्लस। तो प्लासी का युद्ध पता किसके किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 को, 23 जून 1757 को हुआ था। बोलो भाई, तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए जल्दी से, और थोड़ा दबा के शेयर करते रहो भाई। तो वांडीवास का युद्ध सुनो, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, दोनों के दोनों युद्ध भैया और याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये लो। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? अच्छा सर जलमार्ग पूछ लिया तो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे भी बता दो, नेशनल हाईवे भी बता दो, और नेशनल हाईवे बता रहे हो ना तो एक और नाम याद रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, NHAIA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं इसके जो इस समय अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधु है, सुखबीर संधु इसके ध्यान रखना इस समय अध्यक्ष है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोलो भाई बात सब लोग क्लियर है ना। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सर मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में है। और मैं आपको बता दूं भारत में इस समय जो टोटल नेशनल हाईवे हैं उनकी संख्या आप लोगों को बतानी है, तो टोटल नेशनल हाईवे की जो संख्या है भारत में ध्यान रखना वो 87 है, लेकिन राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा जाए, नेशनल वाटर मार्ग पूछा जाए 111 है, 111 आपको याद रखना है दोस्त। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये लीजिए। अरे वाह बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना कायदे के साथ। क्या एक पहिए का कोड़ी वेग, कोड़ी स्थिति मतलब कोड़ी विस्थापन दिया गया है, और बोला जा रहा है तब पहिए पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, तब पहिए पर लगने वाला बल आघूर्ण यहां पर लिख लेना जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो कब जीरो होगा तुम्हें समय बताना है। तो मैं आपको बता दूं अगर तुम्हें थीटा दिया जाता है 2t² - t³, तो पहले ओमेगा निकाल लो। ओमेगा कैसे निकलेगा? सर ओमेगा निकलेगा इसका आउटलन कराने से, आउटलन कराने से, तो t² का आउटलन 2t, अगर t² 2t तो ये 4t - 3t का t³ का आउटलन 3t², ओमेगा से निकालो अल्फा। भाई विस्थापन का आउटलन वेग, वेग से आउटलन का हो गए कोड़ी त्वरण, एक बार और आउटलन करा दो तो 4 उसी तरह से टीटा 1 6t है ना। अच्छा सर बलाघूर्ण को जीरो करना है, और बलाघूर्ण का फॉर्मूला ध्यान रखना टी बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा होता है ना, बलाघूर्ण टी बराबर जड़त्व अघूर्ण गुणे अल्फा। अगर टी तुम्हें जीरो करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा जीरो होगा है ना, तो अल्फा को जीरो कर दो, और जैसे ही तुम अल्फा को यहां से भैया जीरो करोगे देखो ना तो टी का जो मान निकल के आएगा वो 2/3 सेकंड निकल के आएगा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नन्ना सा न्यूमेरिकल था, क्लियर है। तो बलाघूर्ण जीरो मैंने कर लिया, थोड़ा ट्रैक्शन कर लेना सवाल में, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ये लीजिए। अरे वाह बड़ा गजब का क्वेश्चन है, सिंगल पर्सन गलत नहीं होना चाहिए, विटामिन का क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से पढ़िए। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा विटामिन लीवर में संचित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको कई बार बताया आपके जो विटामिन होते सर वो कहां संचित होते? लीवर में। लेकिन वो विटामिन जो जल में घुलनशील होते, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते? बी और सी। अरे सर अगर बी और सी जल में घुलनशील है तो यही दो विटामिन मूत्र की सहायता से बाहर निकल जाते हैं दोस्त है, तो स्टोर थोड़ी ना होंगे, तो स्टोर कौन सा विटामिन नहीं होगा? सर विटामिन सी कभी स्टोर नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर बी। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना, विटामिन सी कभी स्टोर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि मूत्र की सहायता से बाहर निकल जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये लीजिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन सी एकदम सही है, क्योंकि विटामिन सी भैया जल में घुलनशील होते हैं, और जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो कभी स्टोर नहीं होते, इस बात को ध्यान रखेंगे। पढ़िए, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का बरमौली हवाई अड्डा कहाँ है? क्या लखनऊ में? अरे सर लखनऊ में तो अमौसी है, हैं किसकी मौसी? अमौसी। उसके बाद ध्यान रखना प्रयागराज में, कानपुर में पहले देखो सर, कानपुर में है चटेरी, कानपुर में है चटेरी, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में ही है बरमौली हवाई अड्डा। मैं आपको बता दूं ये जो बरमौली हवाई अड्डा इसलिए फेमस है क्योंकि एक एयरफोर्स का, कह सकते हो एयरफोर्स का बेस है, एयरफोर्स का बेस होने की वजह से ये फेमस है। मैं गया हूं इस पे, घूमा भी हूं, फोटो क्लिक करना मना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? अब जल्दी से सब लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि वाराणसी में, ध्यान दीजिएगा, वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है बनारस में? तो ध्यान रखना बनारस में हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा सर बनारस में, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का? प्रयागराज इलाहाबाद, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये लीजिए 18वां नंबर, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना भैया, और दोबारा भाई सेशन को लाइक भी करते चलो, अगर देखने वाले 400-500 लोग हैं तो लाइक भी तो एक बार सब एक साथ शेयर कर दो और सब एक साथ लाइक कर दो। आकाड़ा 1000 के क्रॉस पहुंच जाएगा। क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मानव सर्जन सिस्टम में, अरे मानव सर्जन सिस्टम किडनी याद है ना, खून से यूरिन को अलग करना किडनी का काम होता है। आपको पता होना चाहिए कि सर मानव शरीर में दो किडनी होती है, दो किडनी के साथ कह सकते हो दो मूत्र वाहिनी जुड़ी होती है, दो किडनी के साथ दो मूत्र वाहिनी जुड़ी होती है ना सर, ये किडनी है और ये दोनों मूत्र वाहिनी है, उसके साथ उसके बाद जुड़ा होता है मूत्राशय, और मूत्राशय से नीचे जुड़ा होता है सर मूत्र मार्ग। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? सर ये मूत्र मार्ग होता है, ये मूत्राशय होता है, उसके बाद ये दोनों सर किडनी होती हैं, और ये दोनों, ये क्या होती है दोनों सर? ये होती है मूत्र वाहिनी। अब देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है मानव सर्जन सिस्टम में सर एक पेयर गुर्दे और मूत्र वाहिनी का एक जोड़ा होता है, एकदम सही है, गुर्दे दो होते हैं मतलब एक जोड़ा, मूत्र वाहिनी दो होती है मतलब एक जोड़ा, सर पहला वाला सही है। एक मूत्र मार्ग होता है, अरे सर एक ही तो मूत्र मार्ग है सर, ये भी सही है, मूत्राशय देखो भैया एक ही है, इसका मतलब इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश कुमार जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से अगर आप हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझे ना जानते हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा दबा के शेयर करते रहो भाई एक बार जोरदार तरीके से। माइकोलॉजी क्या कहलाता है बताइए? माइकोलॉजी, अरे दो वर्ड याद रखना, एक माइकोलॉजी आता है और दूसरा आता है ध्यान रखना मायोलॉजी। मायोलॉजी तो ध्यान रखना जो मायोलॉजी होता है सर मसल्स का अध्ययन होता है, मसल्स की स्टडी सर मायोलॉजी कहलाती है, जबकि माइकोलॉजी सर कवक की अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ फंगी, कवकों का अध्ययन ही माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टेरियोलॉजी है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, 1764 ही तो बोला भैया, 1757, 1760, 1764। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वायसराय की उपाधि पहली बार भारत के गवर्नर जनरल के कार्ड। अच्छा वायसराय, मैं बताता हूं, देखो हुआ क्या था, जब डलहौजी हटा तो 1857 में जब क्रांति हुई 1857 में, तो भैया उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिन। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक अधिनियम आता है और उसी अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जाता है। तो पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन।
और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लेकिन ये होता कब है सर? ये काम 1858 को होता है, ध्यान रखना 1858। भाई ने भैया 56 में कहां से हो जाएगा, 57 की क्रांति के बाद ही काम हुआ था ना, 1857 की क्रांति के बाद ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जाने लगा। ठीक है, चलिए नमस्कार नमस्कार भाई सबको। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पढ़िए भाई जल्दी से। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो भैया मैं बताऊंगा जरूर और बड़े प्यार से बताऊंगा, इसको पहले आप लोग देखो, जल्दी से देखो और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मैं बताता हूं, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन दोनों को मैंने बताया था केमिस्ट्री के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया है। इन्होंने किया क्या है सर? इन्होंने तीसरे उत्प्रेरक की खोज की है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट युक्त। बेंजामिन कहां के हैं सर? ये जर्मनी के हैं। और उसके बाद अपना डेविड मैकमिलन कहां के हैं सर? ये स्कॉटलैंड के हैं। क्लियर है? अच्छा, और आगे बात सुनते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रजाक गुन्नाथ को दिया गया। सर ये कहां के हैं? ये ध्यान रखना तंजानिया के हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए आपको याद रखना है अब्दुल रजाक को। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यस, ओहो बड़े फॉर्म में लगे हो दोस्त आज है, सबने 21 आंसर दे दिया, लता पढ़ के आयो आज, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 22वां नंबर, पढ़िए जल्दी से, 22 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर ना भाई, पढ़ के आए हो सब लोग, बहुत फॉर्म में लगे हो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वायु प्रतिशीतक, इसको एक्चुअली मैं आप लोग एसी कहते हो, एयर रेफ्रिजरेटर। मैं आपको बता दूं, जो एसी होती है उसकी क्षमता किसमें मापी जाती है भाई साहब? एसी की क्षमता मापी जाती है, ध्यान रखना, टन में। कितने टन का एसी चाहिए? 1.5 टन का चाहिए, 2 टन का चाहिए, 2.5 टन का चाहिए, कितने टन का चाहिए? लेकिन फ्रिज मापी जाती है, ध्यान रखना, लीटर में। जब आप मार्केट से फ्रिज लेके आते हो, कितने लीटर का फ्रिज चाहिए है? लेकिन यहां एसी की क्षमता टन में है, और टन का मतलब उसका वजन नहीं है। एसी 1 टन की है तो 1000 किलोग्राम की होगी, क्या ऐसा मतलब होता है क्या? नहीं, ध्यान रखना, 1 टन का जो मतलब होता है एसी के लिए वो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड होता है। मतलब अगर आपकी एसी 1 टन की है तो 1 सेकेंड में 3.5 किलो जूल की हीट या 3.5 किलो जूल की ऊर्जा खाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। हाँ, जिन लोगों ने एसी ली है, खरीदी है, उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं खरीदी भैया, ग्रुप डी की नोटरी लगने के बाद खरीद लेना यार, ज्यादा मेरी नहीं आती आजकल। चलिए पढ़िए भाई जल्दी से, प्रथम गोल मेज सम्मेलन के दौरान भारत के बताइए वायसराय कौन थे? अच्छा, प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ कब था? 30, वैसे हुए तो थे 30, 31, 32। आगे बात सुनो, एक व्यक्ति, उनका नाम है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है 1928 से लेकर 1931 तक रहे, ये लॉर्ड इरविन है। तो आप खुद बोल लो ना, प्रथम गोल मेज सम्मेलन 1930 में हुआ, और 1930 में ही आ जाएंगे भैया लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? लॉर्ड कर्जन क्या है सर? लॉर्ड कर्जन भूलना नहीं, बंगाल विभाजन 1905 याद है ना, और इसी समय ध्यान रखना भारत में जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है, ये आम याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां, पढ़िए जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए। यस यस, मैं बच्चों के यार नाम ले लूं, बहुत देर से मैंने नाम ले लिए। मुकेश, राज, दीपक, अनिल, शिवम, साजिद, अखिलेश, अभिनंदन, मुकेश, अमरीश, अमृत, भास्कर, पुष्टेश, रमेश। ठीक है, जल्दी से पढ़िए अगला क्वेश्चन और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? फटाफट जल्दी से बताइए कि मगरमच्छ का जो बच्चा होता है, उस मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? अच्छा, मगरमच्छ का बच्चा, सुन लो, मगरमच्छ का बच्चा कहलाता है हैचलिंग। हैचलिंग ध्यान रखना, मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं, मगरमच्छ का बच्चा हैचलिंग कहलाएगा। फिंगरलिंग भी याद कर लो, मछली का बच्चा कहलाता है, कई बार पूछा जा चुका है। गौसलिंग सर, ये बदक का बच्चा कहलाता है, बदक का बच्चा गौसलिंग कहलाता है। बोलिए भाई, बात सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ऑप्शन नंबर डी, यस वेरी गुड। क्या बात है यार, बड़े फॉर्म में लगे हो मेरे मालिक हैं, क्या खा के आए हो आज, सबने आंसर सही दिया है, क्या बात है। डी 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 डी,
ओके, एक बच्चे ने बस अभी बी दिया है, एक बच्चे ने ए दिया है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई जल्दी से। किसी चालकता बढ़ाने से उसकी चालकता क्या होती है? देखो दो चीजें याद रखो, एक धातु के बारे में याद रखो और दूसरा अधातु के बारे में याद रखो, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। धातु का मतलब चालक होता है, धातु का मतलब चालक होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पहले धातु के बारे में सुन लो, जब भी कभी हम लोग धातु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ध्यान रखना उसकी चालकता, सर उसकी चालकता घटती है लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। धातु का मेरे भाई याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ धातु का याद कर लो, धातु के टेस में टेम्परेचर बढ़ाओ तो चालकता घटती है और चालकता और रेजिस्टेंस उल्टा होता है। हमेशा अधातु का उल्टा कर लिया करो, अधातु मतलब अधातु ना बोलो इसको, अर्ध चालक बोलो, अर्ध चालक, अर्ध चालक के लिए आप हमेशा उल्टा कर लिया करिए, जो भी आपने पढ़ा ऊपर उल्टा कर लो। तो बताइए किसी चालक का तापमान बढ़ाने से उसकी चालकता क्या होती है? सर चालकता तो घटती है, चालकता घटती है। हाँ अगर रेजिस्टेंस पूछा जाता तो आप आंसर होता बढ़ती है, चालकता घटती है रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है चलो नोट कर लो उस चीज को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26वां नंबर पढ़िए भाई जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। यस वेरी गुड, थोड़ा भाई सेशन को शेयर भी करते रहो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करते रहिए फटाफट, और एक बार जोरदार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? अरे सर कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की महिला 2014, मदर टेरेसा 1979। आपको पता है मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल अवार्ड मिला था और उसी के एक साल बाद 1980 में भारत रत्न भी मिला था, याद रखना। ठीक है आगे बात सुनो, मैडम क्यूरी, यस 1903 में ध्यान रखना मैडम क्यूरी को ही पहली महिला थी, ऑप्शन नंबर बी। वैसे भारत रत्न मतलब अपने देश में ऐसा कुछ चलता था कि अपने देश वाले छाटते नहीं थे कि किसको अवार्ड देना चाहिए किसको नहीं, उन्होंने देखा, उन्हें देखा कि यार चलो ठीक है यार इनको नोबेल अवार्ड मिल चुका पिछले साल तो चलो इस साल भारत रत्न दे दो। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पिछले साल नोबेल अवार्ड मिला है तो अगले साल भारत वालों ने भारत रत्न दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए भाई जल्दी से फटाफट, जल्दी से पढ़िए और बताइए 27 का करेक्ट आंसर फटाफट। O2 और H2, अरे सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है कि अणुओं के वर्ड माध मूल वेट अनुपात बताना है। पहले तो तुम्हें वर्ड माध मूल मान का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है √3RT/m, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया तापमान समान है। अगर तापमान समान है तो भैया देखो VRMS आपका अणु भार के अंडर रूट के उल्टा है, अंडर रूट का देखो भैया उल्टा है, वो भी अणु भार के, है ना। अच्छा सर ऑक्सीजन का अणु भार क्या होता है? कहोगे 16 16 16 नहीं होगा, 16 16 32 होगा ऑक्सीजन का, 32 हाइड्रोजन का सर कितना होगा? एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो। ठीक है अच्छा 32 2, अगर 32 2 को मैं उल्टा कर दूं तो 2 32, लेकिन अंडर रूट भी तो लेना पड़ेगा 2 32 का, तो 2 32 का अंडर रूट 2/32 यानी 8/16, और 8/16 का मतलब 8/4 तुम्हारा आंसर आने वाला है। ओहो 8/4 ऑप्शन नंबर डी, अरे मालिक अंडर रूट लो या पहले अनुपात ले लो, उसका अनुपात ले लो 16:1, लेकिन अंडर रूट एम है और अंडर रूट एम है तो 16:1 का अंडर रूट लो 4:1, लेकिन देखो ये उल्टा भी है तो 8:4 कर देना, ऐसे पढ़ा जाता है समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 ये लीजिए जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए और थोड़ा दबा के शेयर करते रहो भाई, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से दबा के लाइक भी करते रहिए फटाक से। यस अरे यार बड़ी गलत बात है यार, देखने वाले 600-700 लोग हैं और लाइक देखो 500 भी नहीं पहुंचे, एक बार लाइक कर दो यार है? मेरा पेमेंट रुक जाता है जब आप लाइक नहीं करते हो। चलिए अगला देखिए, भारत पहला भारत रत्न, अच्छा पहले भारत रत्न प्राप्त करता सीवी रमन को 1954 में ही मिल गया था, आपको पता है। जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था? सर 1955 में मिला था है, और गोविंद वल्लभ पंत को 1956 में, और गांधी जी को कभी भी भारत रत्न नहीं मिला,
तो भारत रत्न बताइए प्राप्तकर्ता, पहले पहले बताना है, तो पहले कौन से हो जाएंगे? सर सीवी रमन हो जाएंगे, देख लो। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 29। पढ़िए जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 को आंसर दीजिए भाई सब लोग। किस राज्य के हाई कोर्ट ने मुस्लिम को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया? तो मैं आपको बता दूं, मुस्लिम को 80% की जो स्कॉलरशिप देने का प्रावधान था उसको असंवैधानिक बताया है केरल राज्य की गवर्नमेंट ने, नहीं इस बात को पहले समझो, केरल राज्य के हाई कोर्ट ने। ठीक है, और बात सुन लो, ये 80% स्कॉलरशिप को रद्द बताया केरल के बारे में सुन लीजिए। कई बार क्वेश्चन आता है भारत की साइलेंट वैली कहां है, तो साइलेंट वैली सर केरल में ही है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कल के टेस्ट के बारे में बताता हूं आपको, थोड़ा रुकिए लास्ट तक, लास्ट तक थोड़ा सा रुकिए, फिर मैं आपको कल के टेस्ट के बारे में बताता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए। मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, प्रोटेस्ट क्या है जल्दी से बताइए। मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है? सहयोगी ऊतक है, ग्लैंड है, मेम्ब्रेन है, मांसपेशियां है, क्या है बताइए जल्दी से। तो ध्यान रखना, ये जो मानव शरीर में प्रोटेस्ट है ना सर, ये ग्लैंड है, ये ग्रंथि है, जो कहां पाई जाती है सर, ये मूत्राशय में पाई जाती है। ये क्या करती है? आपके स्पर्म को, आपके स्पर्म को मजबूत बनाती है। मजबूत का मतलब यहां पर आप क्या कह सकते हो, प्रोटीन युक्त बनाती है, है? मतलब उसके जितनी भी पौष्टिक होती है, पौष्टिक चीजें बनाती है, और उसके साथ साथ स्पीड भी लेके आती है। स्पर्म को मजबूत करना और स्पीड लेके आना सर, यही इसी ग्लैंड का काम है। स्पर्म की खोज किसने की थी सर? लुएनहट ने। लुएनहट ने ध्यान रखना स्पर्म की खोज की थी, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर है ना? और यह ग्रंथि सर मूत्राशय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। यस वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए। जीका वायरस बताइए किसके द्वारा फैलता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। यस, थोड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करते रहो, हजार का आंकड़ा आज भाई क्रॉस हो जाना चाहिए। एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाक से लाइक कर दो। बताइए जीका वायरस, अरे सर ये जो जीका वायरस है ना, ये फैलाता है हमारा मच्छर, वो भी कौन सा मच्छर? सर एडीज मच्छर। सर ये वही मच्छर है जो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने के लिए यही मच्छर है, इस बात को ध्यान रखना, एडीज मच्छर। और आपको बता दें यही मच्छर जीका वायरस भी फैलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाक से। और थोड़ा भाई सेशन को शेयर भी करते रहो, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट जल्दी से लाइक करते रहिए। 700 का आंकड़ा तो क्रॉस कराइए कराइए आज। बताइए मिशन कवच कुंडल किसने लॉन्च किया? अरे कवच कुंडल सुना है, है सुना है, महाभारत में जो सूर्यपुत्र कर्ण था उसी के पास तो थे कवच और कुंडल, कवच कुंडल। तो कवच कुंडल जो है सर, ये महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया है, और इस योजना के तहत 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में हर दिन, 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में हर दिन 15 लाख वैक्सीनेशन होंगे, हर दिन 15 लाख वैक्सीनेशन होंगे, इस बात को ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां ये लीजिए, पढ़िए जल्दी से, 33 नंबर पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाफट से। वेरी गुड, थोड़ा भाई सेशन को दबा के शेयर करते रहो सब लोग, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड करके युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? पहला क्वेश्चन सुनो, युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किनके लिए हुई? कहना लेखकों के लिए हुई। किसने शुरुआत की? शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत की, जिसका पुराना नाम क्या था? HRD मिनिस्ट्री नाम था। शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? सर धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है भैया? धर्मेंद्र प्रधान, याद कर लेना इस बात को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां ये लो भैया। कल मैंने आपको बताया था, बहुत सारी बातें हो चुकी है जैसे कि उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है,
उसका नाम आपका बदल दिया है, उसका नाम है आपका राम डंडा हो गया है, मैंने एक बार आपको बताया था। उसी तरह का अगला क्वेश्चन सुनिए, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर बताइए क्या रख दिया गया है। फटाक से बताइए जल्दी से, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। तो ध्यान रखना जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में था उसका नाम बदल के दारकना ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ओरंग इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान भी भैया आपको याद होना चाहिए कहां पर है, बहुत पूछा जाता है। तो इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान सर तमिलनाडु में है, इस बात को ध्यान रखेंगे सब लोग, तमिलनाडु बोलो भाई। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भैया याद रखना है, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन ये तमिलनाडु में है तो भैया असम में है ना, तो वो तो हो नहीं सकता। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35वां जवाब दीजिए, 35 नंबर जल्दी जवाब दीजिए फटक से। हाँ बिल्कुल ओरंग एकदम अनुराग श्रीवास्तव आप सही बता रहे हैं, वेरी गुड, जल्दी से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। धातु जो की हथेली पर पिघल जाती है, अरे धातु हथेली पर रगड़ने पे पिघल जाती है, कौन सी धातु हथेली पे रगड़ने में पिघल जाती है, क्रोमियम। मैं कुछ बातें और बता दूं, सर एचजी से क्या होता है, धारकना एचजी से मिनीमाता होता है, है मिनीमाता होता है। कैडमियम से क्या होता है, कैडमियम से आपकी किडनी खराब होती है, किडनी खराब होती है कैडमियम से, है क्रोमियम से क्या होता है, सर अगर क्रोमियम मिला दोगे तो जन्य प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, यानी जन्य लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है तो हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए, एचजी के बारे में, कैडमियम के बारे में, डेलियम के बारे में। आर्सेनिक और सुन लो, अगर आर्सेनिक ज्यादा होता है पानी में तो एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है एथलीट फुट, एथलीट फुट बोलो भाई, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाक से। जय महाकाल का एक ही क्वेश्चन होता है भाई, सर भाभी कैसी है, भाभी कैसी है, हैं एक ही क्वेश्चन के अलावा दूसरा का भी क्वेश्चन पूछता ही नहीं जय महाकाल। पढ़िए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है। वैसे मैं आपको बता दूं पुलिस में भर्ती तो किए गए हैं लेकिन पूरी तरीके से अनुमति परमिशन जो दी है वो एक ही सरकार ने दी है, उसका नाम है उड़ीसा। हाल में ही दानकना उड़ीसा की सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए, बहुत ध्यान सुनना, ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में भर्ती की छूट दे दी कि चाहे जितने पुलिस वाले ट्रांसजेंडर के, चाहे जितने पुलिस वाले भर्ती हो सकते हैं। ठीक है अच्छा, ट्रांसजेंडरों की यूनिवर्सिटी कहां खुली है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अभी हाल में ही ट्रांसजेंडरों की यूनिवर्सिटी खोली रही है, आप बताइए मुझे किस देश में, सॉरी किस राज्य में खोली रही है और राज्य में किस जगह पर खोली रही है, जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल उड़ीसा इज द राइट आंसर, वेरी गुड, थोड़ा दबाव से करते रहो भाई सब लोग जल्दी से एक बार। चलिए पढ़िए, तो दारकना जो यूनिवर्सिटी खोली रही है वो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में खोली रही है दारकना, ट्रांसजेंडरों की यूनिवर्सिटी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां नंबर ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से फटाफट बताइए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, चाहे हाईकोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जो जज हो, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं हटा सकता। तो आप कह सकते हो हटाया जो जा सकता है वो राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। वैसे प्रक्रिया जो संसद शुरू करता है लेकिन बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं हटता, इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38वां नंबर ये लीजिए भैया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, ग्रुप डी का ध्यान रखना इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल एकदम कुशीनगर एकदम सही बता रहे हो, चलो वेरी गुड। पढ़िए, एक इंजन की शक्ति 10 किलोवाट है, 200 किलोग्राम के पानी को 40 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लिया गया समय बता दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पावर का क्वेश्चन आप सबको पता है, MgH/T पावर का फॉर्मूला होता है, होता है ना, पावर कितना है 10 किलोवाट, तो किलोवाट को वाट बनाओ तो 10 × 1000 कर दो। द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम है, 200 किलोग्राम, जीटी वैल्यू 10, एक्स तुम्हारा 40 और रही बात समय टी तुम्हें निकालना है। लो मालिक हो गया सवाल सॉल्व, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 टी इधर भेज दो और जैसी टी इधर भेज दो डे 4 × 8 यानी सवाल का उत्तर 8 सेकेंड आ जाएगा, सवाल का उत्तर 8 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, देख रहे ना है क्या कठिन है बताओ।
हमारे कोचिंग के जो छोटे मोटे स्टाफ है ना, जो टाइपिंग आईपिंग भी करते हैं, वो भी इस तरह से सवाल लगा लेते हैं भाई साहब। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ये लीजिए पढ़िए भाई जल्दी से फटाफट से। चलिए पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाफट से। चंद नायर स्टेडियम बताइए कहां स्थित है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। चंद नायर स्टेडियम कहां स्थित है? वैसे मैं आपको बता दूं, जो चंद नायर स्टेडियम है ना दोस्त, सर वो फुटबॉल का स्टेडियम है। लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया, ये नहीं बताना कि किसका स्टेडियम है, कहां स्थित है आपको ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ बताइए जल्दी से। तो धारक में जो चंद नायर स्टेडियम है ना सर, सर वो तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम में धारकना सर ये किसका स्टेडियम है? फुटबॉल का स्टेडियम है, चंद नायर स्टेडियम। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां। ये लीजिए पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 40वें का करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपको बता दूं यार, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, थोड़ा लाइक भी करते चलो, है ना, फटाक से जल्दी से लाइक कर दीजिए यार। आज मैंने वहां वीडियो शेयर नहीं किया, जल्दी से मैं शेयर कर देता हूं एक बार। वेरी गुड, जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाक से। पढ़िए जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसके काल में बनी? अरे सर कब बनी थी? 1885 में बनी थी, उस समय कार्यकाल था लॉर्ड डफरिन का, ठीक है। डलहौजी, अरे यार ट्रेन, डाक टिकट, ये सब डलहौजी के शासनकाल में थे। कॉर्नवालिस इसके बारे में बताइए, सिविल सर्विस का जनक, सर सिविल सर्विस का जनक, सर सिविल सर्विस का जनक कॉर्नवालिस को बोला जाता है। लॉर्ड मेयो ने क्या किया था 1872 में, सबसे पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। तो आंसर तो डफरिन है, लेकिन और भी बातें याद रखना। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, पढ़िए भाई जल्दी से फटाफट जल्दी से पढ़िए और थोड़ा भाई सेशन को शेयर भी करते रहो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करते रहिए। पढ़िए, किस प्रसिद्ध लेखक ने अपना अपना स्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा? बताइए जल्दी से, किसने अपना स्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा? तो रखना होम इन द वर्ल्ड जो रचना है ना, ये डॉक्टर अमरीश सेन की है। अरे याद है, एशिया का सबसे पहला, भारत का नहीं, एशिया का सबसे पहला अर्थशास्त्र में नोबल जीतने वाले अमरीश सेन है। सर कब मिला था नोबल? नोबल 1998 में। लेडीज भाई साहब, जैसे इनको 1998 में नोबल मिला, उसके तुरंत बाद 1999 में ही धारकना भारत रत्न मिल गया। 98 में नोबल और धारकना 99 में भारत रत्न मिल चुका था इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये लीजिए 41 हो चुका था, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 42। अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है भैया, गलती मत कर देना यार क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। उबलता हुआ जल भाप में परिवर्तित हो रहा है, क्या कह रहे हो सर? फिर से एक बार बोलो जरा। हाँ, उबलता हुआ जल भाप में कन्वर्ट हो रहा है। अरे आपको पता है, जब जल भाप में कन्वर्ट होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में कन्वर्ट होती है, अरे याद है ना। आगे बात सुनो, फिर बोला जा रहा है बताइए इस अवस्था में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो विशिष्ट ऊष्मा आपको पता है सी बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी, ये विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है, याद रखना। लेकिन उबलता हुआ जल जब भाप में कन्वर्ट है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है, तो भैया टेम्परेचर का अंतर तो जीरो आ जाएगा। और जब टेम्परेचर का अंतर तुम्हारा जीरो हो गया, ये टेम्परेचर का अंतर जीरो, अब नीचे अगर जीरो है दोस्त, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। देख लो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 90% लोग इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो सवाल में गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। हाँ, जिन्होंने इनफाइनाइट दिया, वेरी गुड, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर। ये लीजिए पढ़िए भाई जल्दी से, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पढ़ो जल्दी से पढ़िए। और थोड़ा भाई सेशन को लाइक भी करते चलो, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट जल्दी से लाइक करते रहिए। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन, विद्युत धारा अदिश राशि है, इस लाइन को याद रखना, विद्युत धारा अदिश राशि है। पहला क्वेश्चन देखिए, केवल परिमाण है, केवल दिशा है, परिमाण और दिशा दोनों है, और ना तो परिमाण है ना दिशा है। मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है,
और दिशा भी होती है, दोनों होता है, फिर भी ये एक अदिश राशि है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अदिश और सदिश परिमाण और दिशा से नहीं पता चलते, इनका एक गुणनफल होता है, सदिश गुणन अदिश गुणन, समझे ना। तो विद्युत धारा सदिश राशि अदिश राशि है, लेकिन इसके पास परिमाण और दिशा ध्यान रखना दोनों होती है, क्लियर है ना। केवल परिमाण गलत है यार, विद्युत धारा एक अपवाद है, इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां नंबर पढ़िए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस यस वेरी गुड, पढ़िए जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का। निम्नलिखित में कौन सी धातु हवाई यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है। आपको पता है हवाई यात्रा में जो हवाई जहाज के पार्ट होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ जब भी कभी एचजी मतलब पारा मिलता है तो एक चीज बनाता है जिसका नाम है अमलगम। अमलगम का मतलब आप सीधे कम शब्दों में समझो कि एल्यूमिनियम और एचजी मिलकर एक लिक्विड जैसी चीज बना लेते हैं, उसलिए उसको गर्म करने का आवश्यकता नहीं है, वो बना ही लेंगे और लिक्विड बन गया, यानी आप कह सकते हो एल्यूमिनियम धातु पिघल जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना कभी भी एचजी तो नहीं मिलाया जाता, मतलब एचजी यात्रा के दौरान एयर यात्रा दौरान प्रतिबंधित होता है, क्योंकि एचजी अगर आपका हाथ से ग्रेटर एल्यूमिनियम के किसी भी पार्ट पे चला गया, हवाई जहाज के किसी भी पार्ट पे चला गया, अमलगम बना लेगा या एल्यूमिनियम एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो टोटली गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45वां नंबर जल्दी से पढ़िए। बिल्कुल एचजी इज द राइट आंसर, पढ़िए भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई सब लोग। भारतीय संविधान में बताइए जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो पहले ये बताओ जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो भारत में जो जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है सर, वो आर्टिकल नंबर 21 में आता है। आर्टिकल नंबर 21 में ही जीने का अधिकार है। क्या अधिकार है? राजनीतिक, आर्थिक, मौलिक या फिर धार्मिक। धार्मिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, सर इसका आंसर है मौलिक अधिकार। बताइए जो धर्म को नहीं मानते क्या वो जीते नहीं है? जीते हैं सर। जो राजनीति में नहीं है क्या वो जीते नहीं है? जीते हैं सर। जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या वो जीते नहीं है? जीते हैं सर, है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी से देखेंगे 45वां नंबर। अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है 46वां नंबर, पढ़िए भाई जल्दी से। अब बताइए मानव शरीर में मौजूद निम्न में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। पहले मास्टर मुझे ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? हाँ अल्टमैन ने की थी, याद करना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर सर माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी में कोशिका श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान रखना कोशिका श्वसन होता है और इसी में भैया एनर्जी डेवलप होती है, और एनर्जी जो डेवलप होती है वो एटीपी के फॉर्म में डेवलप होती है, याद है ना। आगे बात सुनो सर, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सर वो किसमें नहीं पाया जाता? आरबीसी में ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता सर आरबीसी में? मैं कहूंगा कि सर आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीसी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47वां नंबर, जवाब दीजिए जल्दी से 47 नंबर पर, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए फटाक से। नमस्कार 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 भाई सबको बहुत बहुत नमस्कार। भारत की पहली कांच की मस्जिद कहां बनी है, है ना, ये करंट का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना भारत की पहली कांच की मस्जिद सर शिलोंग में बनी है, इस बात को ध्यान रखना। भारत की पहली कांच की मस्जिद शिलोंग में बनी है, ठीक है। हाँ दोस्त मैं सरोज कुमार मैराथन लेके आऊंगा, लेकिन मैराथन लाने का मतलब यह है कि आप लोग को जोश आ जाना चाहिए, थोड़ी सी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाने दीजिए, इतनी मैराथन लगाऊंगा भाई साहब कि आप भी देखिएगा लग जाएगा आपको अंदर से कि इसी बार जो है नौकरी दिला देंगे सर। है पढ़िए चुटक जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है। चुटक मैं आपको बता दूं, जो चुटक जल विद्युत संयंत्र है सर ये सुरू नदी पर, सुरू सुरू नदी पर है, इस बात को ध्यान रखना। ये सुरू नदी पड़ती कहां है सर? ये पड़ती है लद्दाख में, एक जिला पड़ता है लद्दाख का, एक जिला है जिसका नाम है कारगिल। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन लद्दाख के कारगिल जिले में सुरू नदी है, जिस पर परियोजना कौन सी बनी है? चुटक जल विद्युत संयंत्र परियोजना। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा कह रहा है सर आज मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, क्यों?
क्या बात है यार, मतलब चलो कोई बात नहीं, अब मैं अगर ये कहूंगा कि मुझसे पढ़ते पढ़ते तुम लोग होशियार हो गए हो तो तुम लोग मेरी बात को मानोगे नहीं, है ना। चलिए देखिए, हाल ही में भारत को किस देश ने 360 रोमियो हेलीकॉप्टर, अच्छा रोमियो हेलीकॉप्टर, देखो चिनूक कहा जाए, रोमियो कहा जाए, अच्छा रोमियो हेलीकॉप्टर का नाम भी है MH-60, ये कौन देता है, तो चिनूक हो गया, रोमियो हो गया, अपाचे हो गया, ये सारे हेलीकॉप्टर हम लोगों को सप्लाई करता है सर्व अमेरिका, सप्लाई करता है अमेरिका, सप्लाई करता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक बच्चा कह रहा है सर ललितपुर के बारे में भी तो बताइए, ललितपुर के बारे में बस भैया मुझे एक ही बात पता है मिर्जापुर का वो नाम सुना है, नहीं सुना वो गाना, मतलब वो जो अपने मित्र ललित के लिए कहता है, हालांकि मेरा भी एक दोस्त ललित है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर टोरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में केवल एक ही कंट्री शीर्ष पर रहता है, वो कंट्री है जापान, सर वो कंट्री है जापान। 2020 में भारत में इसकी जो रैंकिंग थी वो 84 थी, और 2021 में भारत और खराब पोजीशन पे पहुंच चुका है, और भारत की जो रैंकिंग आ चुकी है वो 90 आ चुकी है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 84 सर 2020 के लिए, और ध्यान रखना 2021 में 90 है। अरे यार 50 क्वेश्चन हो रहे क्या, वेरी गुड, ये लीजिए भाई, बहुत धमाकेदार चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, मतलब मैं फिर से बोल दूं, बहुत सारे बच्चे इन मास्टर से पढ़े भी होंगे, अगर इन्होंने इन मास्टर से पढ़ा है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। इनका नाम है अनुभव धनखड़ सर, अनुभव धनखड़ सर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में भी पढ़ा चुके, बहुत जगह जगह मतलब बहुत बड़े बड़े शहरों में पढ़ा चुके, रीजनिंग का कम से कम इनको 10 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं कम से कम 10 सालों का एक्सपीरियंस है। तो रेलवे पाठशाला को आप भाई साहब ये ज्वाइन करेंगे, मंडे से इनकी क्लास लगेगी दोपहर 2 बजे, और जिनकी पूरी प्रोसेस रहेगी कि रीजनिंग में आपके 30 में से कम 28 और 29 प्लस लाया जाए, ठीक है। तो आप सब लोग भैया इनकी बैच, इनके बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए, रीजनिंग में जो भी टॉपिक कमजोर होगा वो इन टॉपिक को पूरी तरीके से मजबूत कर देंगे, ठीक है। 30 दिन का इनका महाअभ्यास रहेगा, और ये जो क्लास स्टार्ट होगी मंडे से दोपहर 2 बजे स्टार्ट होगी। बोलो भाई, अगर कोई बच्चा इनसे पढ़ता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कानपुर में पहले नंबर पे चलते ही है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, और एक बात है, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, या अभी तक किसी तरह की पीडीएफ या किसी तरह का कोई भी मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट ग्रुप डी का लॉन्च हो चुका है, 50 कम से कम मॉक टेस्ट है। और मैं बता दूं, अगर आपको किसी तरह की पीडीएफ यानी ई बुक यानी सब्सक्रिप्शन कुछ भी आपको आपको लगता है जरूरत है, तो एक बार कॉल करके देखिए। कॉल करने के लिए क्या होता है कि हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है सपोर्ट नंबर, आप उस पर कॉल कीजिए, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है आपके पढ़ने में, तो आप उस पर कॉल करके इनमें से कोई भी चीज को ले सकते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे फिर बेसिक से पूरे के पूरे सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर हमारा मैथ या फिर रीजनिंग, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे ई बुक मतलब पीडीएफ वगैरह, ठीक है। चलो फिर धर्मेंद्र कुमार जी कह रहे हैं हाँ सर पढ़ते हैं, तो धर्मेंद्र कुमार जी कमेंट करके बताया तो करो, है ना, आप लोग सर का सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा दोस्त, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, मौज कीजिए भाई, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।